दोस्तों बात करेंगे सुजुकी एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों कल स्टॉक के अंदर बड़ा गेम होता हुआ देखने को मिला। देखो लास्ट यहाँ पे जो 8 मिनट था ना स्टॉक का, अराउंड आधा घंटा के अंदर भाई जो वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 5 करोड़ थी पूरे दिन की, एंड लास्ट दोस्तों आधे घंटे 15 मिनट के आसपास दोस्तों टोटली 10 करोड़ की वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली। और बताओ मैं तो भाई कल बड़ी खरीदारी होते हुए देखने को मिली। अब आप एक चीज खुद यहाँ पे दिमाग लगाओ, अगर दोस्तों 40 के लेवल के आसपास ये खरीदारी हुई है, तो आपने तो भाई मान के चलो आपने 45 एंड 50 के आसपास खरीद है तो डरने वाली बात नहीं है। अगर बड़े फेयर्स खुद भाई 40 एंड 38 के आसपास खरीद रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से कहाँ जाएगा। करंटली भाई आने वाले जो क्वार्टर ना स्टॉक है वो देखो कि आप यहाँ पे अगर अच्छे आते हैं तो आप अभी के टाइम सोच नहीं रहे ना भाई 80 चला जाएगा, स्टॉक 80 भी दिख जाएगा। बट देखो टोटली पूरा मार्केट भागा तब स्टॉक नहीं भागा। और हम देखा जाए भाई पिछले 1 महीने एक 2 महीने के अंदर देखोगे पीयूष स्टॉक ने ज्यादा रैली दिखाई, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका सोच लो टोटली 50 के टारगेट के साथ ही जाके नीचे गिर गया वापस। अराउंड पहले 48 गया, फिर 50 गया, 50 के बाद गिर गया। अराउंड 50 के बाद तो बहुत ज्यादा करेक्शन हमें दिखा। अभी के टाइम देखा जाए कल दोस्तों देखो पॉजिटिव क्लोजिंग थी, बट अभी इधर देखोगे जो एनएससी की वेबसाइट है इसमें 1.5% गिरावट दिखा रहा है, जबकि स्टॉक कल पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और हम देखा जाए भाई देख सकते हो 14 करोड़ 49 लाख, अराउंड 14.5 करोड़ शेयर यहाँ पे डिले हुए हैं। इफेक्ट देखो फैक्ट वाली बात ये है कि जो भी यहाँ पे शेयर कल ट्रेड हुए ना भाई 100% की डिले हो रही है। आपको बताया था मैंने कि 15 मार्च को एक बड़ा गेम होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी हो सकती है, एंड वो खरीदारी हुई भी है। देख सकते हैं यहाँ पे 15 करोड़ का मतलब है दोस्तों अगर आप 40 को मल्टीपल करोगे 15 से तो मिनिमम दोस्तों 600 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट कल हमें देखने को मिला किसके अंदर, सुजलोन एनर्जी के अंदर। अब सुजलोन में दोस्तों देखो प्रॉब्लम चल के आ रही है अभी के टाइम, तो एक तो मार्केट का प्रेशर चल रहा है, दूसरा यहाँ पे एएसएम स्टेज 4 में है। तो भाई इससे देखो एएसएम ने तो भाई तगड़ा झटका दिया स्टॉक को यहाँ पे, और हम पिछले भाई 6 महीने से लगातार एएसएम में ही है। एएसएम से जैसे ही बाहर निकलेगा सर्किट लिमिट स्टॉक की बढ़ जाएगी, सर्किट लिमिट वही 20% के आसपास चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो एएसएम से निकलेगा सर्किट लिमिट बढ़ेगी तब बड़े प्लेयर्स को भगाना बहुत आसान होगा। अगर एक मार्केट चलो कि 5 दिन में अगर स्टॉक को भगा देते हैं 7-8% तो भाई 50% तो ऐसे ही भाग जाएगा स्टॉक। तो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ये सब जो यहाँ पे स्टॉक का शेयर ऑर्डर है अराउंड 14 लाख शेयरों का शेयर ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो इसका मंडे को इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि एंड मोमेंट पे लास्ट टाइम पे हमें सेलिंग देखने को मिली। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटली सेलिंग आई है उसका ये ऑर्डर अभी के टाइम नजर आ रहा है। तो मंडे को थोड़ा वोलेटिलिटी नजर आ सकती है क्योंकि एमओ थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बट भाई डरना नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल शानदार है। फंडामेंटल के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, मैं जिस भी स्टॉक को यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ सबके फंडामेंटल यहाँ पे अच्छे हैं। मैं किसी गलत स्टॉक को कभी मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया है, मैंने जिन स्टॉक को रिकमेंड किया है भाई वो आज नहीं तो कल रिटर्न देके ही गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये चीज समझे, एंड यहाँ पे मैं अगर बार बार वीडियो बना रहा हूँ कई बार कमेंट आते हैं कि आप पैसे लेके वीडियो बनाते हो, भाई ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को इस वीडियो बनाने का कोई पैसा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मेरे को कंपनी पैसा नहीं दे रही है। एक चीज ये कि जो लोग यहाँ पे पेशेंस रखे बैठे हैं, देखो मार्केट में एक ही चीज है अगर आप पेशेंस रखते हो तो प्रॉफिट तो आपके हाथ आ ही जाएगा यहाँ पे, आज नहीं तो कल आ जाएगा। बट मेन चीज है कि थोड़ा पैसा ब्लॉक होता है, कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होता है। जैसे कि सोच के चलो जिसने 48-50 के आसपास खरीदा तो अभी के टाइम उसका पैसा ब्लॉक है, वो हेल्प मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा है, अब लगातार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वोलेटिलिटी और आ रही है, तो भाई उसको डर भी लग रहा है कि भाई 6-7 रुपए से आया कहीं गिर ना जाए। भाई भाई पहले के फंडामेंटल अलग थे अभी क्या अलग है, तो सिटुएशन एंड कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा निर्भर करता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कंपनी की बड़ी है इसलिए भाई प्राइस भी बढ़ा। देखो जो यहाँ पे ये स्कैनर है इस पे आप देखोगे तो पॉजिटिव है, 1% के आसपास की प्लस पॉजिटिव दिखा रहा है, वहां पे डाटा अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे डाटा अपडेटेड है। तो जैसे कि आप देखोगे दोस्तों मेन चीज यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया फाइनेंशियल डाटा, तो आप सबसे बड़ी चीज समझो अगर स्टॉक को 100 रुपए मानो लेके जाने वाले बड़े प्लेयर 100 लेके जाएंगे तो क्या पब्लिक को इतना प्रॉफिट कराएंगे। पब्लिक के पास अभी के टाइम 62% की होल्डिंग है, अराउंड 63 की है, तो टोटली क्या पब्लिक को प्रॉफिट कराएंगे, वो प्रॉफिट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है भाई जिस स्टॉक के अंदर पब्लिक की ज्यादा होल्डिंग होती है ना उसमें वोलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि भाई पब्लिक सोचो अगर मार्केट में 100 शेयर है, ठीक है ना, 100 में से अराउंड दोस्तों 63 शेयर तो पब्लिक लेके बैठी है, बाकी यहाँ पे जो शेयर बच रहे हैं उनको अगर आप देखोगे तो उनमें प्रमोटर्स भी है, बड़े प्लेयर्स भी है, यहाँ पे कई सारी कई लोगों की होल्डिंग है, तो पब्लिक भाई एक नहीं है, जितना ये करेंगे ना और होल्डर्स यहाँ पे कंपनी के जितना तो पब्लिक इनसे ज्यादा लेके बैठी है, तो पब्लिक के हाथ है। पब्लिक जैसे देखो पब्लिक माल बेचना भी नहीं चाहती सुजलोन के अंदर,
बैठे हुई है। अब यहाँ पे पब्लिक से बेचने के लिए भाई कई सारा गेम खेला जाएगा, वोल्टिलिटी लाई जाएगी, 50 रुपए के स्टॉक को क्या पता 30 भी लेके जाए, 30 से फिर यहाँ पे लगा दिया जाए, फिर प्रॉफिट करा के फिर खरीद लिया जाए। एंड आने वाले क्वार्टर जो 4 के रिजल्ट देखेंगे ना भाई, वो धमाकेदार देखेंगे, वो इफेक्ट डालेंगे सब ज्यादा, एंड उसी के आसपास कंपनी ये सब से भी बाहर निकलेगी। तो डाटा यहाँ से देखो, प्रति क्वार्टर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करी। रेवेन्यू अगर देखोगे भाई, तो जो 2020 के अंदर रेवेन्यू था ना, उसको रेवेन्यू को रवि के रेवेन्यू को देखो, 955 करोड़ का रेवेन्यू, सेल्स बढ़ हो चुकी है 1560 करोड़ की, और यहाँ पे लगभग डबल सेल्स इन्होंने कर लिए। इंपॉर्टेंट चीज, लगातार यहाँ पे कंपनी के ओपीएम भी बढ़ रहे हैं, देख लो 16 के आसपास के ओपीएम चल रहे हैं। कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है पूरा देखो, 195 से भी के टाइम चम्मा यहाँ पे 14 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे की पिछले क्वार्टर के अंदर। प्रॉफिट देख लो, जो 118 करोड़ का लॉस था वो भी के टाइम 203 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है पिछले 5-6 क्वार्टर से। तो दोस्तों कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, तो सोचो पी क्यों नहीं घटेगा। एंड आने वाले क्वार्टर में भी कंपनी सोचो अगर 200 करोड़ का ही प्रॉफिट करती तो भाई ये पी ऑर्डर यहाँ पे 70 के भी नीचे आ जाएगा। तो ये चीज आप समझो भाई, वैल्यू स्टॉक की लगातार बढ़ रही है। एंड बैलेंस शीट में देखो, जो रिजर्व पहले माइनस चल रहा था, वो रिजर्व देखो पॉजिटिव आ चुका है, तो कंपनी कैसे सही नहीं हुई देखो यहाँ पे। तो ये चीज समझो, कंपनी एसेट्स भी लगातार यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे बढ़ी, क्योंकि जो बुक वैल्यू पहले आप देख रहे थे दोस्तों जो माइनस में चल रही थी, यहाँ पे ये बुक वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। तो ध्यान दो एंड जल्दबाजी मत करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन करो ताकि